पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जेंडर क्विटी आधारित मंडल मीना मंच के बच्चों को 7 दिवसीय जनपद स्तरीय थिएटर व पपेट विषय कार्यशाला का समापन किया गया। इस अवसर पर बच्चों को प्रमाण पत्र वितरित कर उन्हें सम्मानित किया गया। समापन कार्य में बतौर अतिथि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी योगेंद्र कुमार मौजूद रहे। इस अवसर पर बच्चों ने 7 दिन के भीतर हुई गतिविधियों व कार्यों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया। बच्चों ने शिक्षा जागरूकता व बालिका शिक्षा से संबंधित नाटक और नृत्य प्रस्तुत किया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बच्चों द्वारा कार्यशाला में बनाई गई वस्तुओं को भी देखा और उनकी सराहना की। बच्चों को संबोधित करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा, शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान से जीना सिखाता है। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। खंड शिक्षा अधिकारी नगर मीना ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए मीना मंच के कार्य की सराहना की। कार्यक्रम में नगर सह समन्वय राहुल शर्मा, रत्नेश बाला, हेमलता शर्मा, राकेश कौशिक, हिमांशु, आरती रानी, मास्टर ट्रेनर देवेश चक्रवर्ती, शैलेंद्र कुमार, भानु प्रताप, वीरेंद्र कुमार, अजय शर्मा, सतीश कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। इसका मतलब जो छात्रों और छात्राओं में पढ़ाई में भेदभाव किया जाता है उसको समाज से दूर करने के लिए ये एक प्रयास है। इसमें बच्चों द्वारा ये आप देख रहे हैं, ये मॉडल है, इसके माध्यम से पढ़ाई करना, पपेट शो जैसे ये है, तो इसके माध्यम से बच्चों में और समाज में जागरूकता पर बढ़ाने के लिए ये प्रयास है, जिससे अधिक से अधिक बच्चे स्कूल में जाएं। कितने दिन तक चला है आपका? ये 7 दिवसीय कार्यशाला थी और आज समापन है इसका। यही कहना चाहता हूँ कि समाज में भेदभाव ना करें, लड़कों लड़कियों में और सबको समानता से देखते हुए विद्यालय भेजें। आज के दिन में कोई किसी से कम नहीं।